हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, फिगर शोज अ पैडल व्हील कपल्ड विथ मास ऑफ 12 kg थ्रू अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली। पैडल इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केल्विन, केप्ट इन एन एडियाबैटिक कंटेनर। कंसिडर अ टाइम इंटरवल इन विच 12 kg ब्लॉक फॉल स्लोली थ्रू 70 cm हाइट। क्वेश्चन का ये पार्ट कहता है, हाउ मच हीट इज गिवन टू द लिक्विड। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है इस एक लाइन के बेसिस पे फ्रेम की गई है, दैट इट इज़ एन एडियाबैटिक कंटेनर। एडियाबैटिक का मतलब ही है कि हीट एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है। प्रोसेस क्या हो रहा है? प्रोसेस ये हो रहा है कि जब ये ब्लॉक एक हाइट से नीचे गिरती है तो क्या होता है कि इसका वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे व्हील की काइनेटिक एनर्जी में। और क्योंकि हमारे फ्लूइड में फ्रिक्शन है तो फ्लूइड क्या करेगा, इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में। सो कहीं एक्सटर्नल सोर्स से हीट एनर्जी पैदा नहीं हो रही है, कोई एक्सटर्नल सोर्स हीट सप्लाई नहीं कर रहा है, ये इंटरनली हीट प्रोड्यूस हो रही है। चलते हैं सेकेंड पार्ट में। बी ऑप्शन, बी पार्ट कहता है, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द लिक्विड। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द लिक्विड, तो जाहिर सी बात है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे है वो कन्वर्ट होगी आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, व्हील की काइनेटिक एनर्जी में चेंज। और हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला MgH। मास गिवन है हमारे पास 12, जी है 10, एच है 70 cm, 10^-2, सो ये आ रहा है आपका 84 जूल। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट कहता है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड नेग्लेक्टिंग हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो हमें पता है कि हीट ट्रांसफ़र जो है वो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ करता है, उसका डायरेक्ट फार्मूला है ΔH=mC ΔT। सो हमारे पास हीट एनर्जी पता है 84 जूल है, इक्वल टू मास है 1 kg, सी दिया हुआ है 4200 जूल पर केल्विन टू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी हमारा निकल जाएगा 84/4200, दैट इज़ 2×10^-2 केल्विन। आशा करता हूँ कि ये सोल्यूशन आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।